दादाजी कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखती थी, हाँ पलंग से आती थी तो मेरी गोद में, मेरी गोद से जाती थी तो पलंग पर। जिन सीता जी ने कभी कठोर इस अवध की धरती पर चरण नहीं रखी हैं, जब सीता को जंगलों में चलना पड़ेगा, पर्वतों पर चलना पड़ेगा, कांटों के बीच में चलना पड़ेगा, सीता जी कितना कष्ट होगा। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा असियन दीन पग अवनी कठोर। कठोर धरती पर सीता जी ने कभी अपने पैर नहीं रखे। जिस धरती पर सीता जी ने कभी अपने पैर नहीं रखे हैं, उन सीता को जब जंगल में बिना किसी चरण में पादुका पहने, बिना चप्पल पहने, वैसे नंगे पांव जब कठोर जंगल की यात्रा करनी पड़ेगी तो सीता जी को कितना कष्ट होगा। हे राम, कौशल्या जी कहती सीता जी को अपने साथ जंगल ले जाने के लिए तैयार होना था कि तुझे पता नहीं, मैंने कभी सीता जी से ये नहीं कहा कि भगवान के मंदिर में दीपक जल रहा है, अहे सीता जी तुम जाकर के दीपक बुझा दो। मैं इतना प्रेम सीता जी से करती हूँ कि जियन मोर जिमि जोगवत रहूं दीप बाती नहीं तारन कहूं। कौशल्या जी ने कहा राम आपको पता नहीं है सीता जी से मैं इतना प्रेम करती हूँ ना कि मैंने कभी अयोध्या की धरती पर चरण रखने नहीं दिए। जब सीता जी को कहीं जाना होता था तो मैं पलंग से गोद में लेके जाती थी, और सीता जी को जब मैंने कभी ये नहीं कहा तुम्हें जाकर के मंदिर के दीपक बुझाने हैं। एक बहुत पावन प्रसंग आता है अयोध्या में सरयू के किनारे रात्रि में, सजो कितना भयानक एक राक्षस आता था, बहुत विशाल बड़ा राक्षस जो आकर के सरयू के तट पर बहुत आतंक मचाता था, और रात्रि में धनुष बाण लेकर के दशरथ जी जब मारने के लिए जाते तो राक्षस अंतर्ध्यान हो जाता। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार दशरथ जी राक्षस को मारने के लिए गए, परंतु राक्षस को मार नहीं पाए तो वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। महात्मा कृपा करके बताइए, एक राक्षस जुआ करके अयोध्या में सरयू के तट पर रात्रि में बहुत उड्डनता का कार्य करता है, ऋषि मुनि महात्माओं को दुख पहुंचाता है, कितने साधु संतों को उसने खा लिया है। कृपा करके एक बात बताइए, उस राक्षस की मृत्यु कैसे होगी? वशिष्ठ जी ने कहा उस राक्षस की मृत्यु तब होगी कि हे दशरथ, जब आधी रात्रि को धनुष बाण लेकर के तुम उस राक्षस को मारने के लिए जाना, और एक दीपक अयोध्या में जलता हुआ दीपक, और ठीक रात्रि में जब इधर सीता जी अपने हाथों से अयोध्या के जलते हुए दीपक को बुझाएंगी, और उधर तुम बाण छोड़ोगे तो राक्षस मर जाएगा। दूसरे दिन रात्रि वेला में राक्षस का आक्रमण जब अयोध्या में हुआ, धनुष बाण लेकर के दशरथ जी जब जाने लगे तो कौशल्या को बुला के कहा, कौशल्या ठीक रात्रि में 12 बजे जब मैं राक्षस को मारने के लिए तैयार हूं, तुम सीता जी को पलंग से उठा देना और कह देना जाकर के जो आंगन में दीपक जल रहा है उसको बुझा दे। कौशल्या जी ने कहा, महाराज रात्रि वेला में ठीक 12 बजे मैं सीता जी को उठा करके ये नहीं कह सकती हूं कि तुम जाकर के अयोध्या के आंगन में जलते हुए दीपक को बुझा दो। अगर तुम्हारे पास ये सामर्थ्य नहीं राक्षस को मारने के लिए तो धनुष बाण मुझे दे दीजिए, मैं कौशल्या जाकर के इस राक्षस का वध कर दूंगी, लेकिन मैं कभी सीता जी से ये नहीं कह सकती तुम जाकर के जलते हुए दीपक को बुझा दो। इतना ज्यादा प्रेम कौशल्या जी सीता जी से करती थी। अब आज वो सीता जी जंगल जाने के लिए तैयार, सीता जी ने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए, जी अभिनु दे दीविनु बारी, 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 ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। याद रखना, सीता जी ने कहा जैसे जिय बिनु देह, शरीर के में अगर प्राण नहीं सजनों तो शरीर बेकार हो जाती है, नदी में अगर जल नहीं है तो नदी बेकार है, इसी तरह से इस संसार सागर में अगर पति साथ ना हो तो पत्नी का जीवन बेकार होता है। मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूं,
राम जी ने आदेश दिया, ठीक है आप तैयार हो जाओ मेरे साथ जंगल चलने के लिए 14 वर्ष के लिए। इधर सीता जी तैयारी बना रही थी, लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी, लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, आकर के राम जी के चरणों पर गिर पड़े, भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, 14 वर्ष के लिए आप जंगल जा रहे हो? हाँ मुझे 14 वर्ष के जंगल जाना पड़ेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भी आपके साथ जंगल चलूं, अयोध्या अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है। इन अयोध्या की माताओं को, पिता दशरथ को तुम्हें संभालना है, पूरे अयोध्या की प्रजा को संभालना है। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे प्रजा से, मुझे इन माताओं से कोई मतलब नहीं, मैं आपके साथ 14 वर्ष के जंगल चलने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण जी ने जिद किया तो राम जी ने कहा तुम जाकर के सबसे पहले अपनी माता सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण जी आज सुमित्रा जी के पास पहुंचे, और ये सुमित्रा जी ने बढ़िया सुंदर फूलों की थाली सजा रही थी कि भगवान राम राजा बनेंगे तो बढ़िया दिव्य आरती उतारूंगी। और जैसे लक्ष्मण की आवाज कान में पड़ी सजनों, आज सुमित्रा जी के हाथ से पुष्प की थाली और जो दीपक बनाए थे वो गिर पड़ी नीचे। लक्ष्मण जी पहुंचे, लक्ष्मण जी को देख करके सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए हो, तुझे पता नहीं आज भगवान राम राजा बनेंगे, तुझे तो अयोध्या में भगवान राम सिंहासन पर बैठेंगे उसकी तैयारी में लगना चाहिए, तुम यहां किस लिए आ गई हो? भगवान राम राजा बनेंगे इसकी तैयारी सुमित्रा जी कर रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मुझे लगता है आपको पता नहीं, अब अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट अब भगवान राम नहीं बनेंगे, भगवान राम सीता जी के साथ अब जंगल जाने के लिए तैयार है 14 वर्ष के लिए, और मुझे राम जी ने भेजा है कि तुम जाकर के अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ, कृपा करके आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं राम जी के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हूँ। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा लक्ष्मण तुझे पता नहीं है तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ना, तुम्हारी माँ सुमित्रा तुम्हारी माँ है, ना दशरथ तुम्हारे पिता हैं, इस संसार सागर में लक्ष्मण तुम्हारे माता तुम्हारे पिता ये दोनों राम जी और सीता जी हैं, तो तुम्हें आदेश तो राम और सीता से लेना चाहिए, तुम मेरे पास आदेश लेने के लिए क्यों आ गए?